नजीबाबाद थाना क्षेत्र के बड़ी नहर बुंदकी रोड पर एक खड़ी गाड़ी में एक आदमी कमरत अवस्था में शव अंदर पड़ा मिला है। युवक की मौत गोली लगने से हुई है। राहगीरों की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि नजीबाबाद के मोहल्ले सुभाष नगर का रहने वाला अमित वर्मा अपने चाचा की बोलेरो कार लेकर कल किसी काम से बाहर गया हुआ था। आज सुबह अमित की लाश कार में गोली लगी मिली है। किसी व्यक्ति ने या मृतक ने खुद आत्महत्या की है, इसको लेकर पुलिस अभी तक तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक हत्या के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। बहरहाल इस घटना को लेकर मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को लगाया गया है। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक अमित के घर वालों को दी है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि अमित नाम का युवक कल अपने चाचा की बोलेरो कार से किसी काम से बाहर आया हुआ था। आज इसकी बोलेरो गाड़ी नजीबाबाद थाना क्षेत्र के बड़ी बुंदकी नहर के पास सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के अंदर से शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर मृतक के घर वालों को इस घटना की सूचना दे दी। पुलिस द्वारा घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। बहरहाल मृतक के शव का पंचनामा भरकर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। अमित वर्मा जो नजीबाबाद कस्बे के रहने वाले हैं, अपने चाचा की बोलेरो गाड़ी जो बिजनौर नंबर की गाड़ी है, लगभग 4:00 से 5:00 बजे के बीच में निकले हैं और बिंदकी रोड पर जो नजीबाबाद से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एकांत में गाड़ी करीने से साइड में लगा करके उनके लेफ्ट साइड में एक फायर आर्म इंजरी है, तमंचा पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया जो देखने से लगता है कि 12-14 घंटे पहले इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि चीटियां भी इनके देह पर है। घर वाले अभी पहुंचे नहीं हैं। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, घटनास्थल का जो वाकया उसको देख करके क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, डॉग स्क्वाड, सभी टीमें यहां पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।